9 साल में मोदी सरकार ने क्या दिया, पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएं, मन की बात ना करें संजय राउत का हमला। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने आज 31 मई बुधवार पत्रकारों से बातचीत करते हुए फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, अब बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है, लेकिन इन 9 सालों में मोदी सरकार ने जनता को क्या दिया, यह पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताना चाहिए। लेकिन वो तो पत्रकारों से बातचीत करते ही नहीं है, राहुल गांधी तो करते हैं, वे तो बस मन की बात करते हैं। संजय राउत ने कहा कि 9 सालों में आतंकवाद खत्म हो गया क्या, मणिपुर तो जेल रहा है, 2 बार नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, यह उन्हें जनता को नहीं बताना चाहिए क्या। राहुल गांधी अमेरिका जाकर जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल क्या गलत हैं? वे बेरोजगारी और आतंकवाद के सवाल उठा रहे हैं। LIC एयर इंडिया क्यों बेच रहे हैं, किसके लिए बेच रहे हैं, आज देश के सामने ये सवाल नहीं है क्या। पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी तो लोग उनसे सवाल कर सकेंगे। हम जो कहें कानून, हम जो लिख दे गुनाह, 9 साल का यही लेखा जोखा। संजय राउत ने कहा कि देश में डर का माहौल है, एजेंसियों के इस्तेमाल से सरकारें गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं। एजेंसियों का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है वैसे कहीं नहीं हो रहा है, मैं खुद एजेंसियों का विक्टिम हूँ, संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। ढेर सारे सवाल हैं, आज राहुल गांधी ने अमेरिका में जो सवाल उठाए हैं वे देश के सवाल हैं। जंतर मंतर में कुश्ती खिलाड़ी कह रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, हम जो कहें कानून, हम जो लिख दे वही गुनाह। नीतीश कुमार के निमंत्रण पर उद्धव ठाकरे पटना जाएंगे, संजय राउत ने यह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के निमंत्रण पर उद्धव ठाकरे विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होने पटना जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विपक्षी ना कहा जाए, वे विपक्षी नहीं है, देशभक्त हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी में मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर समेत 14 महानगर पालिकाओं के चुनावों का डर। शिवसेना सांसद ने कहा कि मुंबई, ठाणे, नागपुर, नासिक, 6 संभाजीनगर समेत 14 महानगर पालिकाओं में चुनाव करवाने से आखिर क्यों डर रही है शिंदे फडणवीस सरकार, आखिर इन महानगर पालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं करवा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हार का डर है। बीजेपी का झंडा मराठी मानुष का झंडा नहीं है, यह व्यापारियों का झंडा है जिन्हें मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना है।